हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम बात करेंगे कुछ सिस्टम्स की जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे आपको पता ही है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम हर किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। जैसे आपको अगर कोई टच करता है तो या तो आप हाथ अपना पीछे करते हो, या सपोज़ कोई पेन होता है, कोई नीडल प्रिक करता है, या आप खुद से भी अगर अपने दूसरे हैंड से नीडल को प्रिक करो अपने हैंड में, तो ऑटोमेटिकली जो हैंड है दूसरा, जहाँ पे आप पिन को प्रिक कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। तो ये जो कुछ रिफ्लेक्स हैं हमारी बॉडी के, ये कौन कंट्रोल करता होगा? ठीक है, अच्छा, सेम ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है। लाइक प्लांट्स की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस, तो हमको पता है बहुत सारी फंडामेंटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस के बारे में ही हम बात करें तो वहाँ पे लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो आपको पता ही है कि लाइट को कौन स्टोर करता है? क्लोरोफिल स्टोर करता है। क्यों करता है? ताकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो और H2O का ब्रेकडाउन हो सके। बिकॉज ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी लिबरेट होगी और उसी से फॉर्मेशन होता है क्या? CO2 की हेल्प से फूड, CO2 energy, and with help of some enzymes in the cytoplasm of the chloroplast, क्या form होगा? Starch का form, glucose का formation होगा, और glucose further store हो जाएगी in form of starch। ठीक है जी, clear होगी इतनी बात। अब plant का भी एक response होता है light के towards, जैसे उनकी जो growth होती है वो light की direction में होती है always। और अगर ये आप पढ़ोगे इस चैप्टर में कि सपोज़ हम एक डार्क रूम में अगर एक प्लांट को रखते हैं और एक साइड से कोई आप होल करो या वहाँ से अगर लाइट आ रही है, तो वो जो प्लांट है वो लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो किसके थ्रू है, कौन उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है? वो लाइट प्रोवाइड कर रही है। इज़ इट क्लियर? तो इन अ सिंपल मैनर हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी फंक्शंस इन अ ह्यूमन बींग और अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको कुछ स्पेशलाइज सिस्टम कंट्रोल करते होंगे। अब इन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्ट लाइक आर प्रीवियस चैप्टर। जैसे हमने हर एक एक्टिविटी को पढ़ा था प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, तो हम यहाँ पर भी बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दोनों ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट इन दोनों में जो कोऑर्डिनेट करने का तरीका होता है, जो डिफरेंट सेल्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, वो सेम नहीं होते। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में न्यूरॉन्स एब्सेंट होते हैं, तो मतलब नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है इन प्लांट्स, वो होता है विद हेल्प ऑफ केमिकल्स, और इन केमिकल्स को बोल देते हैं हॉर्मोन्स। तो इन प्लांट्स जो कोऑर्डिनेट करता है प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट की मूवमेंट को, अदर फैक्टर्स को, वो कौन होते हैं? केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर नोन एज हॉर्मोन्स। तो प्लांट्स में क्या क्या प्रेजेंट है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मेथड है, इसको हम क्या बोल देते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स में जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का या उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हॉर्मोन्स करते हैं मेनली। वेयर एज इन एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और अगर आपने को याद हो, आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी क्लास 9th में, तो जितने भी आपने किंगडम और फाइलम्स पढ़े थे, किंगडम्स की ही बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा फीचर और सबसे कह लें तो हाईली लाइक एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन होते हैं? एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दोनों ही तरीके से होता है, बाय मीन्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड बाय मीन्स ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है विद हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम,
एंड दूसरा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है विद हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, तो मतलब न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी प्रेजेंट होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी प्रेजेंट होता है विच आर जो होता है किसकी हेल्प से, हॉर्मोन्स की हेल्प से. तो यहाँ पे कौन से दोनों तरीके के कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन. अब जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विद हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं ना आप, जो कि मैसेज को रिसीव और सेंड करने का काम करते हैं. रिसीव करेंगे कहाँ से, रिसेप्टर्स से, और उसको पहुँचाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन फर्दर जो भी रिस्पॉन्स करना है कि किसी ने अगर आपको निडल प्रिक की है तो या तो आपको अपना हाथ पीछे हटाना है या फिर उसको एक चांटा लगाना है. तो ये जो भी डिसाइड करेगा ये कौन करेगा, ब्रेन करेगा. और ब्रेन को जो ये सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं. फाइन. और केमिकल कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे कौन हेल्प करता है, जस्ट लाइक द प्लांट पोर्शन, यहाँ पे भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी, जो प्लांट की जो सॉरी एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को काफ़ी हद तक, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, कि कब कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होना है, कब कौन सी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये सब जो फिनोमिनाज होते हैं ये हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं. ठीक है जी, इतनी सी बात आपको समझ में आई. तो सिंपल लैंग्वेज में, सीधी सी भाषा में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपली जब बहुत सारे ऑर्गन्स इन अ सिस्टमिक मैनर में काम कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन. तो सिंपली वर्किंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ सिस्टमिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन. ठीक है जी, तो जब कोई एक प्रोसेस होनी है और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं और हर ऑर्गन अपना काम कंप्लीट करके और दूसरा ऑर्गन अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिस्टमिक मैनर में सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है. प्रोसेसेस बहुत सारी हमने पढ़ी, उसमें जैसे आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ा है लास्ट, उससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट के फंक्शनिंग पढ़े थे, तो उसमें किस तरीके से पहले एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, फिर एट्रिया रिलैक्स हो रहे हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. तो एक सिस्टमिक मैनर है ना, कि ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा कि उनको पता ही नहीं है कब किसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, मसल्स को पता ही नहीं है भाई कब कौन सा चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कौन से को रिलैक्स करना है, ऐसा नहीं है ना. तो वहाँ पे जो जिस तरीके से वो सब प्रोसेस इन अ सिस्टमिक मैनर हो रही है, इन सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं. इन सब तरीके के जो ऑर्गन्स हैं जब ये सिस्टमिक मैनर में काम कर रहे हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन. और इस कोऑर्डिनेशन को वर्कआउट करने के लिए कि प्रॉपरली वो इसी मैनर में काम करें, जो सिस्टम इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग सिस्टम. जस्ट लाइक इन एनिमल्स, जो नर्वस है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल करती है, और ये जो हॉर्मोन्स हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक्शंस को, प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में सारे सिस्टम्स ढंग से काम कर रहे हैं वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन. वेयर एज इन प्लांट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, बट एनिमल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है.
मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू जो जितने भी सारे फिनोमिनाज हैं प्लांट्स के अंदर वो कंट्रोल हो रहे हैं. कौन कौन से फिनोमिना? प्लांट की ग्रोथ होना, प्लांट का फर्टिलाइज्ड होना, जब एक सीड फर्टिलाइजेशन होके नया सीड बनता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन उस सीड का जो स्टेम आएगी उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, रूट ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में ग्रो करेगी, लाइट का क्या इफेक्ट होगा, वाटर का क्या इफेक्ट होगा. रिमेंबर ना, स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, हालांकि वो बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है कि जो डिफ्यूजन है, ट्रांसपिरेशन है, उसका बहुत बड़ा रोल है उसमें, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स वहाँ पर एक्शन प्ले कर ही रहे होंगे ना. और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन तो हो गई, अब देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है इसके कंटेंट्स के बारे में. कोऑर्डिनेशन सेम, इस चैप्टर को हम डिवाइड कर देंगे इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल पोर्शन. और सबसे पहले इन प्लांट पोर्शन में हम लोग बात करेंगे ये क्या है चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में. अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो इन प्लांट पोर्शन विल डिस्कस अबाउट, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट प्लांट की मूवमेंट्स के बारे में. विल डिस्कस अबाउट प्लांट मूवमेंट्स. जो प्लांट्स मूवमेंट होती हैं ये बेसिकली दो तरीके की रहती हैं. एक होता है जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती हैं और दूसरी जो ग्रोथ पे डिपेंड होती हैं. मतलब इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे जब हम फर्दर चैप्टर को डिस्कस करना शुरू करेंगे, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे. आई एम जस्ट गिविंग ए ओवरव्यू नाउ. तो जो प्लांट मूवमेंट्स में बेसिकली दो तरीके की मूवमेंट होती हैं, वन इज़ नोन एज नेस्टिक मूवमेंट एंड सेकेंड इज़ नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट. ठीक है जी. फर्दर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जो नेस्टिक होती हैं और कौन किस तरीके की मूवमेंट होती हैं जो ट्रॉपिक होती हैं. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स. ठीक है जी, क्या कहते हैं उनको? फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं. इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में, पांच तरीके के फर्दर हॉर्मोन्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. तो इतना सा ही है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट प्लांट मूवमेंट्स, आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट फाइटो हॉर्मोन्स एंड प्लांट हॉर्मोन. इन एनिमल पोर्शन एज वी ऑल नो, अभी जस्ट मैंने बताया ही है तो मुझे आपको पता चल ही गया कि जो एनिमल्स हैं उसमें जो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है. वन इज नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज हॉर्मोनल, या कह सकते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है, वो इसमें दो मेन ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं पूरी बॉडी के सब फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए. एक तो है आपका ब्रेन, आप सबको पता है, और दूसरा पार्ट जो इस नर्वस कोऑर्डिनेशन में आता है वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड तो काफ़ी बच्चों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी नर्वस का सिस्टम का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का ही एक तरीका है. अब इस पोर्शन में हम पढ़ेंगे फर्दर ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में. मेजरली हम इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उन तीनों पार्ट के भी फर्दर जो भी फंक्शंस हैं और जो भी सब पार्ट्स हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रेन है, ब्रेन का कौन सा पोर्शन क्या एक्टिविटीज़ करता है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ को ब्रेन का कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है.
ठीक है जी। और सेकंड इज अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, तो कितने तरीके के स्पाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है जी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे जो फर्दर मोटर एंड सेंसरी रिस्पॉन्स को कैरिड आउट करते हैं, ठीक है। इधर एक ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से फर्दर ऑर्गन्स तक लेके जाते हैं। मेजरली जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करती है, और इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिस पे जर्नली क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज अबाउट रिफ्लेक्स आर्क। तो हालांकि ये इसी का ही एक सब टॉपिक है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद ही हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है तो मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज़ अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है विद हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, आप सबको ही पता है, ठीक है जी। तो हॉर्मोन्स कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन रिलीज करती हैं, हॉर्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड को कहते क्या हैं, हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज हो जाते हैं तो टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेंगे कैसे। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था इन द न्यूट्रिशन पोर्शन, जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम बात कर रहे थे, तो आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कि क्या डिफरेंस होता है ग्लैंड्स में जो कि एंजाइम रिलीज करती हैं और क्या डिफरेंस होता है जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं। और मैंने बोला भी था कि ये मैं पूछूंगी आपसे जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड भी देख ही लेंगे उसमें। और इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं जो हार्मोन रिलीज़ करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, इन सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करने वाली ग्लैंड को क्या कह देंगे, मास्टर ग्लैंड, है ना। उस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, वो उसका भी मास्टर हो जाएगा। रिमेंबर जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को कौन कंट्रोल करता है, क्लास टीचर, और क्लास टीचर्स को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल। तो इसी सेम तरीके से ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनको कंट्रोल करती है इनका हेड, विच इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको भी फर्दर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बिकॉज ये लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको फर्दर लॉब में डिवाइड कर लेते हैं, और हर पार्ट इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का कुछ ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है टू स्टिमुलेट, उनको स्टिमुलेट करता है अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए। और जब वो हॉर्मोन्स पहुँच जाते हैं इनफ अमाउंट में इन ब्लड, तो उन ग्लैंड्स को वो इनहिबिट भी कर देता है, मतलब हॉर्मोन का रिलीज बंद होने के लिए मैसेज भी भेज देता है। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड होते हैं लाइक स्टिमुलेशन, इनहिबिशन, सिक्रीशन, ये सब चीज़ें आप थोड़े सा जो लैंग्वेज है ये सब चीज़ें आप कॉमनली आपको यहाँ पे मिलेंगी, ओके। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड तो हो गई मास्टर ग्लैंड, अब इस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन होता है, इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका मास्टर कौन है, ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ब्रेन पोर्शन, तो जो ब्रेन है वो ही इनडायरेक्टली पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी इन फर्दर सारी की सारी हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, जो ब्रेन है, वो हमारे हॉर्मोन्स को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों इंडिविजुअल अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। इनके बीच का जो कॉमन कनेक्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्लियर होगी इतनी सी बात। तो ये है एक ओवरव्यू जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लांट मूवमेंट के बारे में, आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट प्लांट हॉर्मोन्स, फिर इन प्लांट पोर्शन सॉरी इन एनिमल पोर्शन फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग के बारे में। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करती है। इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से वो रिफ्लेक्स आर्क आता है। इसी तरीके से ये जो प्लांट हॉर्मोन्स पोर्शन है यहाँ से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं प्लांट
हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन, यहाँ से ट्रॉपिक मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जहाँ से कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन टॉपिक्स को ध्यान से ही पढ़ना, वैसे तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे ध्यान से, बट स्टिल आप इन पे थोड़ा सा फोकस अपना ज़्यादा रखना, इनको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। ब्रेन की फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स एक्शन पार्ट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है, एंड दिस हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी के लोब्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, यहाँ से 1-1 मार्क के क्वेश्चन ये ज़रूर बनते हैं कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, या मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, जनरली वो पूछा जाता है। जो हाइपोथैलेमस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, एंड ऑफ कोर्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका सिक्रीशन, और अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट होंगे, और अगर वो हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स।